कंगना रनौत, अब तो नाम पढ़ते सुनते ही मन बोलता है अब क्या बोल दिया भाई। आपके मन का ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जो मीडिया, सोशल मीडिया पर तगड़ा वायरल हो रहा है। बीते 10 नवंबर को कंगना रनौत टाइम्स नाउ चैनल के कार्यक्रम में पहुंची। एक सेशन के दौरान उन्होंने बताया कि 1947 में भारत को मिली आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है। कंगना ने कहा, अब तक शरीर में खून तो बह रहा था लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं था, और जो भारत को आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली आज़ादी थी, असली आज़ादी साल 2014 में मिली है। कंगना ने इसी कार्यक्रम में उन्हें मिले अवार्ड्स को लेकर भी एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मुझे 2 नेशनल अवार्ड तब मिले जब कांग्रेस का शासन था। जब मैं राष्ट्रवाद की बात करती हूँ, आर्मी को और अच्छा करने की बात करती हूँ और अपनी संस्कृति को प्रमोट करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंडा चला रही हूँ। ये मुद्दे बीजेपी का एजेंडा क्यों है, इन्हें तो देश का एजेंडा होना चाहिए। कंगना के इस बयान पर लोगों और नेताओं की प्रतिक्रिया आनी ही थी। कई लोगों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और तंज कसे। ध्रुव नाम के यूजर ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का जिक्र करते हुए कहा, ट्विटर को कंगना वायरस से वैक्सीनेट करने के लिए आपका शुक्रिया जैक। एक अन्य यूजर डॉक्टर जहां जैब सिरवाल ने कहा, कंगना रनौत को जल्द से जल्द अपना चेकअप कराना चाहिए, इस स्टेज पर किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना मदद करेगा। वहीं लूकोजैन नाम के ट्विटर हैंडल से कहा गया, क्यों स्कूल में फेल होने वाली कंगना रनौत को इतने ज़रूरी मुद्दे पर बोलने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, इस लेवल की मूर्खता हो तो उन्हें अपनी राय भी नहीं देनी चाहिए। राफेल गांधी नाम का ट्विटर हैंडल काफ़ी पॉपुलर है, उसने भी कंगना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लकड़ी के घोड़े पर प्लास्टिक की तलवार लेकर वीरांगना बनने वाली सरकारी चाटुकार आज़ादी के सिपाहियों का अपमान कर रही है, हजारों कुर्बानियों के नतीजे को भीख बता रही है। आम लोगों के अलावा नेताओं ने भी कंगना के बयान की आलोचना की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार, इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। कंगना पर तंज कसने वाले नेताओं में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल रहीं। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता रुचि पाठक का जिक्र करते हुए कहा, नई रुचि पाठक मतलब कंगना रनौत स्टेज पर हैं, 99 साल की लीज के बाद अब भीख में मिली आज़ादी की बात कही गई है। झांसी की रानी सहित स्वतंत्रता संग्राम के सभी नायकों के खून, पसीने और बलिदान को खारिज कर दिया गया है। कौन है रुचि पाठक? ये नाम लल्लन टॉप के लोकप्रिय प्रोग्राम लल्लन टॉप अड्डा की वजह से उछला। यूपी चुनाव यात्रा के दौरान आयोजित एक लल्लन टॉप अड्डा में भाजपा युवा मोर्चा की कार्यकर्ता रुचि पाठक को बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में रुचि ने बड़ा दावा कर दिया था कि 1947 में भारत को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी, हमारी स्वतंत्रता अंग्रेजों से 99 साल की लीज डील है और नेहरू ने ब्रिटिश क्राउन से 99 साल की लीज पर भारत को आज़ादी दिलाई। रुचि पाठक का ये बयान भी ट्विटर पर मीम मटीरियल बन गया था, एक से एक व्यंग किए गए। अब कुछ इसी तरह का बयान कंगना रनौत ने दिया तो प्रियंका चतुर्वेदी ने रुचि और कंगना को जोड़ते हुए तंज कस दिया। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।